और देखना है कि सबसे पहले कौन ये दाल चावल समाप्त करता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही टाइमर चालू हुआ, मोहम्मद यासीन पूरी मिर्ची को एक तरफ कर दिए। हाँ, मतलब मिर्ची खाना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, अगर मिर्ची खाएंगे तो और ज्यादा एक्सीलेटर से खाएंगे। तो देखना है कि यहाँ पर मिर्ची के साथ कौन स्वाद लेता है और बिना मिर्ची के कौन स्वाद लेता है। और अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने प्लेट में दाल चावल रखा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, दाल चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दाल फ्राई लगी हुई है। आज हमारा दाल फ्राई राइस ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में शंकर जी और रसीन जी बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में कौन विनर होता है और कौन 1000 रुपये की राशि लेकर जाता है। और दाल फ्राई के साथ में रखा गया है सलाद, और मिर्ची खाना कंपलसरी नहीं है। जिसकी मर्जी मिर्ची खा सकता है, जिसकी मर्जी नहीं खा सकता है। मतलब इस प्लेटर अपने हिसाब से दे। बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो थाली में दाल और चावल लगा हुआ है, यह 1000 रुपये का इनाम दिलाने वाला है। तो देखना है कि 1000 किसके पल्ले में जाता है, मोहम्मद यासीन के पल्ले में या तो फिर शंकर के पल्ले में। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए। शुरू हो जाए भैया। और टाइमर चालू हो चुका है, और देखना है कि सबसे पहले कौन ये दाल चावल समाप्त करता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही टाइमर चालू हुआ, मोहम्मद यासीन पूरी मिर्ची को एक तरफ कर दिए। हाँ, मतलब मिर्ची खाना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, अगर मिर्ची खाएंगे तो और ज्यादा एक्सीलेटर से खाएंगे। तो देखना है कि यहाँ पर मिर्ची के साथ कौन स्वाद लेता है और बिना मिर्ची के कौन स्वाद लेता है। और देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं लोग। बहुत गजब लग रहा है, 2-3 मिनट से ज्यादा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और दोनों ही चैलेंजर बहुत तगड़े चैलेंज कर रहे हैं, और बहुत ही धैर्य से, बहुत ही प्यार से उतरे हैं आज। बहुत गजब। और यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले इस थाली को कौन समाप्त करता है और इनाम की राशि कौन लेकर जाता है। और हमको लग रहा है यासीन जी पिछला जो है अपना बदला लेकर छोड़ेंगे। और बहुत ही फुर्ती से, शंकर से ज्यादा फुर्ती से जुड़ चुके हैं मोहम्मद यासीन, और इस फुर्ती का फायदा उठाने वाले हैं। लेकिन देखना है कि अभी शंकर का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 एक्सीलेटर लगता है। हाँ। और उस एक्सीलेटर का इंतजार है। अगर वो एक्सीलेटर लग गया तो हो सकता है मोहम्मद यासीन जी बड़े मुश्किल से जीत हासिल करें। बहुत बढ़िया, लेकिन दोनों चैलेंजर हैं तो तगड़े चैलेंजर हैं तो तगड़े, लेकिन टक्कर होती है तो एक कांटे की टक्कर होती है। और दोनों लोग जब भी एक्शन में आ जाते हैं तो सामने रखा हुआ कोई भी चैलेंज वो खुद भागने लगता है। और चैलेंजरों को एक्सीलेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही चैलेंज में जो आइटम रहता है उड़ जाता है। और ये देखिए, अब शंकर की बाइट भयंकर होना चालू कर दिया है, और इस भयंकरता से शंकर भी भयंकर हो चुके हैं। अब देखना है यहाँ पर कि ये दाल चावल कितनी देर में समाप्त होता है। और ये मोहम्मद यासीन की बहुत हाई वोल्टेज वाली बाइट उठना चालू हो चुका है। सोच रहे हैं कि हम शंकर को भयंकर ना होने दे, उससे पहले ही दाल चावल पूरी तरह से चट कर जाए। बहुत गजब। और हमको लग रहा है ज्यादा पूर्ति में ज्यादा तेज मार दिए। और ये देखिए, सलाद तो वैसे अंदर जा रहा है जैसे प्रेशर में मराई चल रही हो। बहुत गजब। और शंकर की बाइट भी मोहम्मद यासीन से कम नहीं है, उनकी भी बाइट बहुत हाई वोल्टेज वाली है। और बहुत तगड़े चैलेंजर के रूप में दोनों चैलेंजर उतरे हैं। शंकर जी के 100% लगा दिए कि आज यासीन जी को नहीं हराना है तो नहीं हराना है। मिर्ची बाहर निकाल के रख सकते हैं, नहीं तो गलती से भी खा सकते हैं। मिर्ची जाएगी तो मिर्ची लगेगी। हाँ। और मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हाँ। चलिए, बहुत गजब। और यहाँ पर एक एक सलाद इधर से उधर फेंका जा रहा है, उस सलाद को मद्देनजर रखते हुए फिर भी शंकर भयंकर होना चालू किए हैं, तो इस भयंकरता का परिणाम कहाँ जाएगा। बहुत गजब। शंकर जी देख देख के खा रहे हैं। बहुत गजब, उधर बैठक चालू हो चुकी है। बहुत बढ़िया है, आराम से खाइए भैया, बैठ के खाइए, बैठ के खाइए, आराम से खाइए। टाइमर भी भगा जा रहा है, ये लोग गिरा दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते ही देखते 55 सेकंड ही हुआ है। बहुत बढ़िया, 3 मिनट का सफर तय कर चुका है टाइमर। अभी भी मोहम्मद यासीन जी के थाली में मोहम्मद ज्यादा बाइट नहीं है चावल की। मतलब शंकर जी अभी मतलब चैलेंज में नहीं झुकाए, लेकिन पहले मोहम्मद यासीन को हंस हंस के खा रहे हैं शंकर। देख
रहे हैं कि ये कितना जो है तेज भागते हैं और सोच रहे हैं कि अब हम जो है एक्सीलेटर ऐसा लगाएंगे कि इनके अब देखते हैं शंकर जी का एक्सीलेटर चल पाता है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और अभी मिर्ची से इधर उधर कर रहे हैं लेकिन मोहम्मद यासीन जी कहां तक जाते हैं शंकर जी, बहुत मिर्ची सहित खा रहे हैं। एक बार तो शंकर जी यासीन जी को झुका ही दिए चैलेंज में, मतलब ऐसी अभी भी मारे कि यासीन जी खुद ही खड़े होकर के नहीं नहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई चाल लगा रहे हैं शंकर, और उस चाल को देखिए कहां तक पहुंचाते हैं, समय में कंप्लीट कर पाते हैं। और देखना है मोहम्मद यासीन शंकर से पहले खा लेते हैं कि नहीं। मिर्ची दिखा रहे हैं, वो मिर्ची दिखा रहे हैं और टमाटर दिखा रहे हैं कि आप दोनों लोग मिक्स सलाद बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सोच रहे हैं इनकी थाली देखकर शंकर। और दो बाइट बची हुई है मोहम्मद यासीन के थाली में, अगर इन दो बाइट के साथ देखिए शंकर क्या कर सकते हैं। और मोहम्मद यासीन को हराना अब शंकर के बस की बात नहीं है ऐसा लग रहा है। अगर एक्सीलेटर लगाते तो और एक्सीलेटर लगा देंगे, पता लगा उठ के दौड़ भाग के खाने शुरू कर। बहुत गजब। और देखते ही देखते ऐसा नहीं लग रहा है कि अब शंकर तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यासीन से आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोच रहे मोहम्मद यासीन को बार बार देख कर। बहुत बढ़िया मोहम्मद यासीन, देखो कितना तेज खा रहे हैं भैया, मिर्ची भी खा लिए, हम मिर्ची नहीं खा पा रहे हैं यार। तो मिर्ची खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मना थोड़ी ना। अरे देखिए मोहम्मद यासीन कह रहे हैं मिर्ची हजम नहीं होगी, मिर्ची हजम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं शंकर से तीखा नहीं चल पाता है, इसीलिए मोहम्मद यासीन ताव दे रहे हैं। बहुत गजब। और एक मिर्ची 2 रुपये लगा दिए है, एक मिर्ची खाओ 2 रुपए ले जाओ, एक मिर्ची खाओ 2 रुपए ले जाओ। तो देखते हैं शंकर जी इस समय ना बोल चुके हैं क्योंकि इनकी टंकी लग रही है कि उतने ही चावल से भर गई है, अब जगह नहीं रह गई। और अगर यासीन जी एक्सीलेटर ना भी लगाते तो हमको लग नहीं रहा है कि शंकर जी को हरा पाते। और शंकर जी इसलिए थोड़ा सा हो गए कि मतलब यासीन जी जीत भी गए हैं, तो 5 मिनट 25 सेकेंड में यासीन जी बिल्कुल कम्प्लीट कर लिए हैं दाल चावल को। तो यासीन जी को इनाम की राशि देते हैं और शंकर जी भी आए। क्या वजह रही आपको, क्या मजा नहीं आया क्या? मजा बहुत आया लेकिन हमारे खाने में भाई बहुत ज्यादा था हमारा खाना। अच्छा भाई खाना ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही कहते हैं, वो तो दिखाई पड़ रहा होगा जो वीडियो। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि शंकर जी का खाना वाकई में ज्यादा था या यासीन जी का, मतलब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर शंकर जी खाना ज़्यादा था तो शंकर जी को इनाम की राशि दी जाएगी दोबारा, मतलब यासीन जी के बाद भी दी जाएगी इनको। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि शंकर के थाली में ज़्यादा खाना था कि मोहम्मद यासीन के थाली में कम था। आज इस वीडियो तो हमारे देखे हो, ये कमेंट कर गजब, वो तो हमारा स्टाइल था, तुमको उठक बैठक करवा दिए की वजह से कह रहे हैं कि हम उठक बैठक करवा दिए। चलिए ठीक है, तो पहले तो हमारे स्पीड ही नहीं देख पाया कौन सी चीज चला। तो दोनों चैलेंजरों में हाथ छिड़ चुकी है और जंग दोबारा चालू हो गई है, मतलब चैलेंज वाली जंग खत्म हो गई है लेकिन बहस वाली जंग चालू हो गई है कि मतलब हमारी स्पीड ज्यादा थी, वो कह रहे हैं हमारी स्पीड ज्यादा थी। तो दोनों लोग आए, साहस दिखाए, दोनों लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इस चैलेंज में यासीन जी जीत गए, हाथ धो लीजिए भैया, इनाम की राशि ले लीजिए। तो दोनों लोग आए, हौसला दिखाए, दोनों लोगों का धन्यवाद करते हैं। और यासीन जी इस चैलेंज में जीत गए तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो चैलेंज लगा था दाल और चावल में, मोहम्मद यासीन जी जीत हासिल कर लिए हैं और इनके हाथ में जीत की राशि जा चुकी है, पैसा पा गए भैया जी। तो ये चैलेंज आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। तो दाल चावल बहुत बढ़िया था, ज्यादा फंस तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा था। शंकर जी बोल रहे थे आपका खाना कम था। अरे अब हारने के बाद तो लोग ऐसे वही बात हो गई जैसे वो हमारा जो कंस्ट्रक्टर बोले थे, मतलब अगले चैलेंज में आए थे जब, तो उसी का आजमा रहे हैं वसीम भाई कि हम भी ऐसे बोल देंगे तो हमारा बेइज्जती नहीं होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मतलब उस दिन बेइज्जती हो रही, आप भी तो यही बोल, जब उस दिन हम बोल रहे थे कि आपको हमारा ज्यादा है। चलिए भाई बहस बंद करिए यहाँ पर। तो दोनों लोग आए, साहस दिखाए, दोनों लोगों को धन्यवाद करते हैं। और इस चैलेंज में यासीन जी जीत गए, उनको इनाम की राशि भी दे दिए हैं। तो इसी के साथ इस चैलेंज को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।